जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। चाहे आप लोग 10th का पेपर देने जा रहे हो, 12th का देने जा रहे हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम यूपीपी का देने जा रहे हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो लोग भी पढ़ सके, ऐसे ऐसे ट्रिक देख सके और क्या बेहतरीन वीडियो उन लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आ जाओ, आज देखते हैं बेटा विटामिन का बहुत ही बेहतरीन वीडियो। विटामिन, विटामिन के रासायनिक नाम, उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और किस चीज में विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। पहला विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, विटामिन ए। पहला है विटामिन ए, देख लो ध्यान से, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इससे कौन सी रोग होती है, रतौधि होती है या तो संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, क्या होती है, रतौधि या तो संक्रमण का खतरा होता है, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है, और किस चीज में पाया जाता है, या दूध में पाया जाता है विटामिन ए, अंडा में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है और हरी सब्जियां में विटामिन ए पाया जाता है। मेरे रसगुल्लो, आया समझ में, नहीं आया तो विटामिन ए पाना है तो क्या खाओ, दूध खाओ, अंडा खाओ, पनीर खाओ, हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, जो मन करे वो खाओ, सब में कुछ ना कुछ तो विटामिन मिलेगा ही मिलेगा। आ जाओ देखते हैं विटामिन बी वन, बी वन बोलो विटामिन या विटामिन बी बोलो, इस क्या होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लो, थायमीन होता है। कौन कौन से रोग इसमें पाए जाते हैं बेटा, बेरी बेरी या हाँ बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी। किस चीज में पाया जाता है, मूंगफली तिल सब्जियां में। ठीक है, विटामिन बी वन। उसके बाद देखोगे मेरे रसगुल्ला, विटामिन सी, विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल भी इसी को कहते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, इस क्या होता है, स्कर्वी या मसूड़े का फूलना भी इसी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बेटा, स्कर्वी होता है या मसूड़े का, मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है, नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे रसगुल्ला, कैल्सीफेराल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स होता है बेटा, या मछली अकृत तेल या दूध या अंडे में पाया जाता है। विटामिन कौन सा, डी। ठीक है बेटा, या प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बेटा देखोगे मेरे रसगुल्ला, विटामिन ई टोकोफेराल, क्या होता है इसका रासायनिक नाम, टोकोफेराल। ये क्या होगा, जनन शक्ति का कम होना, इससे क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है। ये पत्ती वाली सब्जियां, दूध और मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा अगला वीडियो, विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, इससे क्या होगा, रक्त थक्का नहीं बनेगा रक्त का। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्लो, अब आ जाओ आगे, विटामिन बी टू क्या होता है, राइबोफ्लेविन, इसका क्या होता है बेटा, त्वचा, जो त्वचा होती है आपकी या जीवा होता है उसका क्या होता है, फटना। ठीक है, ये खमीर दूध मांस में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी टू। विटामिन बी थ्री निकोटिनेमाइड, क्या होता है बेटा, इससे त्वचा दाद होता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, मूंगफली आलू और टमाटर में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, मूंगफली आलू और टमाटर में। विटामिन बी फाइव क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। बाल सफेद हो जाएगा या मंद बुद्धि, मतलब दिमाग काम करेगा। ठीक है, दूध मूंगफली गन्ना टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन बी सिक्स पाइरिडाइक्सिन, ठीक है, एनीमिया या त्वचा रोग, यकृत मांस अनाज में मिलता है। ठीक है, बी सेवन विटामिन बी सेवन बायोटीन, लकवा या बाल का गिरना होता है। मांस अंडा यकृत दूध में यह पाया जाता है। विटामिन बी अलेवन क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, एनीमिया पेचिस रोग, ठीक है, दाल यकृत और सब्जियां में यह मिलता है। विटामिन बी ट्वेल्व, बारह देखोगे बेटा, साइनोकोबालमिन, एनीमिया या क्या होता है, पंडुरोग होता है, मांस और दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये सब बाबू आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, इतना तो बहुत ज्यादा सबको लगभग पता होगा, ए से लेके डी तक का, और उससे ज्यादा जिसको पता होगा बेटा
कि क्या होता है केतक का पता होगा, लेकिन यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह भी पूछा जा सकता है। इसलिए बेटा विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 तक आप लोगों को पता होना चाहिए, सबका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, सबसे होने वाले रोग पता होना चाहिए और किस चीज में विटामिन कौन सी पाई जाती है यह भी पता होना चाहिए, मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दबा के शेयर करना है आप लोगों को अपने दोस्तों को भी। फिर मिलते हैं आप लोगों से यही इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच।